ओ मैं क्या जी, नमस्कार, क्या हाल है आप सबका? स्वागत है। या तो तू बोल दे कर या मुझे पूरा क्यों, मैं तो कंफ्यूज करूंगी। तो जी आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। यहाँ पे इसकी हड्डी मेरे को चुभ रही है, ये छुट्टी। तो जी फिलहाल भाई 11:42 हो रहा है, पापा जी ऑफिस जा चुके हैं, थोड़ा जल्दी चले गए थे। तब तक हम वॉशरूम में थे और तैयार ही हो रहे थे ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज पापा को थोड़ा जल्दी जाना था। क्या है गाइस, हम तो अभी भी डरे हुए हैं यार। मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी कि क्या हुआ था कल रात को। तो फिलहाल मैं बाहर चलती हूँ, मम्मी से आपको मिलवा देती हूँ। मम्मी जी हमारा लगा रही है जी, आपको आपका मन तो होगा नहीं मिलने का, पर मिल लो। हाँ यार, उनसे कौन ही मिलना चाहेगा, हम ही दिन में दो बार मिलते हैं। उनके कान में एकदम खड़े हो जाते हैं, जैसे मैं, मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं जैसे बोलूं मम्मी या गाइस या गाइस, वो ऐसे आ जाती हैं, क्या बोल रही है मेरे बारे में। कबूतर, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे, हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गलत बोल रही हो अभी, सॉरी, हनुमान जन्मोत्सव की। अभी हमने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है लेकिन हमारी माँ को ही नहीं पता है। हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और गाइस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कल एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग मोमेंट हुआ मेरी और कुकू की लाइफ में। तो भाई रात में सोने से पहले मैं ना वॉशरूम गई, जैसे गेट खोला इतनी मेरे ये पाम जितनी बड़ी कटार, वहाँ पे कटार वो होती है पटार, कटार, हाँ पटार यार, पटार, ठीक है पटार थी। तो वो इतनी टेरिफाइंग थी, वो ऐसे ऐसे सामने से एक तो चल रही, मैंने फटाफट से गेट लगाया, हिट मारा, नहीं मर रही, और मेरे को आके ऐसे पूछी, और हम उसके पहले भूत का देख रहे थे, मेरे को लगा क्या हो गया, ऐसे मैं इसको बुला के लाई, हमने हिट डाला, फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमने वो टूथब्रश और फेस वॉश बाहर निकाल के हमने सोचा कि कल से पापा मम्मी के वॉशरूम में ही जाएंगे हम। और फिर सुबह पापा ने इतना ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। तो गाइस हम अभी भी इस डाउट में है कि वो उस वॉशरूम में है, चली गई। अब क्या, मम्मी वॉशरूम अपना यूज नहीं करने देंगी तुम्हें, समझी? क्यों नहीं करने देंगी? तो जी ये हुआ यार कल रात को। और एक केला मिला था प्रशांत की टॉफी, केला मैंने किसी और को दे दिया, नारियल मैंने खा लिया, और टॉफी, तीन टॉफी, तीन है तुम तीनों के लिए बची है। जय हनुमान जी भगवान, आज उनका बर्थडे है ना, इसलिए लोगों ने टॉफी चॉकलेट सब चढ़ाया। तो गाइस फिलहाल पापा जी ऑफिस चले गए थे जैसा मैंने तुम्हें बताया था, और अभी वापस आए थे क्योंकि पापा अपनी बीपी की दवाई लेना भूल गए थे, तो हाँ इसलिए बाय बाय इसलिए आए थे, और प्रसाद भी देके गए हैं। तो फिलहाल पापा शाम को ही आएंगे, तो वो आपको सीधे शाम को मिलवाएंगे। तो जी फिलहाल मैं आ गई हूँ छत पे, कुक्कू जी और आशा दीदी यहाँ आए हुए हैं। मैं बोल रही थी आशा दीदी और कुक्कू दीदी। तो यहाँ दोनों आए हुए हैं भैया जिम की, बहुत जोरों शोरों से साफ सफाई चल रही है, ऐसा नहीं हल्के फुल्के में मत लेना इसको, कल भी आज भी। अब भूपेंद्र भैया आएंगे, उनके साथ भी आएगी कुक्कू, तो बढ़िया सी साफ सफाई चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। भाई वाह, काम पे लग गया हमारा कुकड़ा, और अंदर कुकड़ी दीदी भी है। भाई बहुत साफ हो गया, आपने कितने अच्छे नाम डाले। हाँ, कुकड़ा और कुकड़ी दीदी, ये देख लो भाई, एक यहाँ बंदा लगा हुआ है, एक यहाँ है, बढ़िया पुराने जैसी जान आ गई इस रूम में। हाँ। बहुत ही गंदा हो रहा था, अभी भूपेंद्र भैया आएंगे। अरे यार मेरे कॉलेज में वो सर थे, मैं FNB वाले, तो उनको भूपी सर, उनका नाम भी भूपेंद्र था। कुकी, कुकू, अरे कुकी नहीं। गाइस हमारे ना एक सर थे जो हमें FNB पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे, तो उनका नाम भी भूपेंद्र था, वो भूपी भूपी बुलाते थे, तो इसलिए मुंह से निकल गया। भैया हम तो आ गए नीचे, अपन ने करनी है गाइस एडिटिंग, क्योंकि शाम को आपको कहीं लेकर जाएंगे दर्शन कराने, बहुत मजा आएगा। आज हनुमान जन्म उत्सव है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जाए ना, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से एडिटिंग, अभी 3 बज रहे हैं, करेक्ट 3 बज रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एडिटिंग करके वीडियो डाल भी दूं, ताकि मैं अपने हिसाब से फिर पब्लिश कर दूंगी, है ना। नीचे चलते हैं फटाफट से, काम खत्म करते हैं। तो जी गाइस फिलहाल मस्त 4:30 बज चुके हैं, मैं, मम्मी, कुक्कू, हम तीनों भाई तैयार हो चुके हैं, और मैं तो कुछ ज्यादा ही तैयार हुई हूँ। और हाँ फिलहाल हम जा रहे हैं अपने हनुमान जी के दर्शन करने, वही वाले जो वही वाले मंदिर जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना, ताल वाले हनुमान जी के मंदिर, और तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। आज कुक्कू और मम्मी पहली बार जा रहे हैं, मैं और पापा तो पहले ही हो आए थे,
और वो इतनी पीसफुल जगह है ना, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं एक्साइटेड थी आज जाने को बहुत ज्यादा, पिछले 2-3 दिन से पापा को बोल रही थी। तो फिलहाल पापा जी आने वाले हैं, जैसे ही आते हैं नीचे जाते हैं तुम्हें मिलवाते हैं, ठीक है, आते हैं जाते हैं मिलवाते हैं। तो गाइस बच्चों के पापा जी आ गए हैं और हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि उनको फिर आगे और मीटिंग्स में भी जाना है, तो उन्होंने कहा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। अभी नीचे देख फ्लोर को, अरे यार मुंह ऐसा रखे, हाँ जस्ट आंखें नीचे, अरे क्या बात है, चल चल भाई, हमारा कुक्का भी तैयार है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। लंबी कैसे हो गई? क्या इतनी लंबी कैसे हो गई? ये हील्स का कमाल है और क्या। हाय हाय गाइस, ये बैग लेते जा रहा था, हम बहुत बुरा बचे हैं अभी, देखा भी नहीं गाड़ी को, बाप रे मेरे तो पसीने छूट गए, नशे किया हुआ तो लगता है। तो जी गाइस फिलहाल पहुंच गए हैं मंदिर, ताल वाले हनुमान जी के मंदिर, अब अंदर जाते हैं दर्शन करते हैं, और भंडारा भी है यहाँ पे, तो आपको मैं पूरा दिखाती हूँ और आप भी दर्शन कर लो। और मम्मी शांति कितनी है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, देख कितने पेड़ इतने सुंदर लग रहा है, और क्या कुक्कू जी कैसा लग रहा है आके, बहुत पीसफुल। ये श्रीमती जी हमारे, हो जी बढ़िया दोनों, ये तो हमें मालूम है, उस वो नहीं आई अभी तक, पहली बार आई है छोटी। गाइस हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, और पंडित जी ने मुझे केला दिया, और बाकी इन तीनों को ये 5-स्टार ओरियो प्रसाद में। आज हनुमान जी का बर्थडे है ना, तो टॉफियां तो जरूरी है, सीधे चॉकलेट वो भी फेवरेट। तो जी गाइस फिलहाल मंदिर से तो निकल गए हैं और अब जा रहे हैं यहाँ से पापा जी के ऑफिस, दी एड्रेस, ऐसे थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठने क्योंकि बहुत टाइम से गए भी नहीं है, तो हाँ फिलहाल आपको ऑफिस में जाके मिलते हैं। तो जी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम पापा जी के ऑफिस, बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मैं, तो शायद सेकंड या थर्ड टाइम ही आ रही हूँ, तो फिलहाल अंदर चलते हैं थोड़ी देर आराम से बैठते हैं। तो जी गाइस 10-15 मिनट बैठ के अब हम निकल रहे हैं पापा जी के ऑफिस से, और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत एक चीज सुनाती हूँ अभी। क्या मेरे को भी सुना? अब आप खुद सुनोगे ये। अगर सोचो पापा रात में अपने कैबिन में बैठे और कोई आए तो ऐसा नहीं होगा, चुड़ैल हंस रही है। तो जी गाइस फिलहाल पापा जी के ऑफिस से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं हम सीधा घर, तो मैं आपको अब सीधे घर पर मिलती हूँ। ये कैसी स्कर्ट है, इल्ली पुच्ची पोपो? क्या इल्ली पुच्ची पोपो? चुप रहे, क्या है ये? बिस्तर बांध के घर छोड़ के जा रही है। चलो बहुत अच्छे से रहना है। हाँ कुकु तेरी याद थोड़ी बहुत तो आएगी, पर चलो भिक्षा मांग के गुजारा करना, अब जा जा कुकु जा, हमको तुम याद बिल्कुल मत करना। हाँ जाओ 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 निकलो गाइस, चलिए ऊपर अपने जिम रूम को, और चलो जी भाई साहब बाबा रामदेव शाम को करती है योगा, बहुत बाय जाओ उनकी आई है, अब चलिए योगा पूड़िया खा के योगा। तो जी गाइस फिलहाल 6:30 बज रहे हैं, आ जाए मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ वॉक पे। क्या है नाक दे दो अपनी नाक, क्या हुआ मेरी नाक को लाल लाल बता। तो जी मैं फिलहाल जा रही हूँ अपनी वॉक पे, तुम्हें मैं वहां पहुंच के मिलती हूँ। ये आपको पहुंच के वहां मिलेगी, और जब तक ये वॉक करेगी ऊपर वो एक्सरसाइज करेगी, मैं शांति में जीऊंगी। कितना अब वहां ठीक है, रहो शांति में, अभी हम क्या बोलूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती यार, बोल बोल बोल, आज ब्लॉग में पिटाई होगी तेरी। नहीं यार मैं पिटाई मत करो। तो जी गाइस फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ भाई अपनी वॉक वाले एरिया में, जो कि बहुत ज्यादा डरावना है, तुम पीछे देख सकते हो, और आज मुझे आती एक बहुत वियर्ड येट टेरिफाइंग इंसिडेंट पता लगा। जैसी मैं आई ना यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी, तो मैं वहीं रुक गई, मैं अंदर मैंने पार्किंग में लगाई भी नहीं, मैंने उसी भीड़ के पास रोक लिया, क्योंकि एट फर्स्ट ग्लैंस मुझे लिटरली यही लगा कि इन्होंने पक्का आज यहाँ सांप पकड़ा है,
और साथ में डंडे वंडे लेके लोग खड़े हुए, या तो लड़ाई हुई है या सांप पकड़ा है। भाई मेरी तो वही हालत खराब हो गई, मैं वहाँ रुक गई। मैंने गार्ड से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पे, तो गार्ड भैया ने बताया कि यहाँ पे एक डॉग है, जो पिल्लू दिखा रही थी ना मैं उसकी मम्मा, उन्होंने आज 3-4 लोगों को काटा है। ओ भाई साहब, फिर मैंने वहाँ प्रिंस अब तक आया नहीं था, मैंने वहीं वेट किया। फिर हम आज उधर जा ही नहीं रहे, अपनी पार्किंग में गाड़ी दूसरी जगह लगाई और बढ़िया अब यहाँ पे आके वॉक कर रहे हैं, आज वहाँ नहीं जा रहे हम। तो जी फिलहाल मैं वॉक अपनी ख़त्म कर लेती हूँ, आज हम जल्दी ही जा रहे हैं लाइक 7:30 तक वापस घर, और अब आपको सीधे मैं घर पे पहुँच के मिलती हूँ। क्या आइसक्रीम ले आऊँ, क्या बोल रही हो? सुना बच्चों ने खानी छोड़ दी एकदम ही, हमने तो कब से आइसक्रीम नहीं खाई गाइस। और देखा, और मम्मी जी हमारी चटोरी हो गई, घर में किसी एक का तो होना जरूरी है। तो जी फिलहाल 8 बज रहे हैं, मैं आ चुकी थी वॉक से 10 मिनट पहले, मम्मी के लेने जा रही हूँ। अभी नहाने घुसी रही थी, टॉवल ऐसे बस लेके जा ही रही थी। तो जी मम्मी के लिए चने लेने जा रही हूँ मैं डेली नीड्स, तो एक बार फटाफट से ले आती हूँ फिर आपको मिलती हूँ और आके फिर नहाऊंगी। तो जी गाइस फिलहाल 9:30 हो रहा है और मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश तो बहुत ही पहले हो चुकी थी। यहाँ हमारा पोंगा पंडित भी आ चुका है, चटोरी मम्मी की आइसक्रीम भी चालू हो चुकी है, और आज खाने में मैं तुम्हें बता दूं भाई मस्त सी साईं बाबा की फेवरेट वाली खिचड़ी प्लस कर्ड। और जी यहाँ अरेंजमेंट्स ही चल रहे हैं भाई, कौन कैसे बैठे हुए। ऐसी जगह में बैठती फिर मैं निकल ही नहीं पाती अपनी जगह पे, क्या फायदा इतने एक्सरसाइज करने का फिर। तो जी फिलहाल पापा मैं तुम्हें बता दूं अभी तक आए नहीं है, पता नहीं फोन भी नहीं आया कि कब आएंगे, क्या सिस्टम है पापा का ये भी नहीं पता। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग जाती है इस टाइम तक। तो 10:26 हो रहा है, ठीक है 10:26 हो रहा है, और तुम ये देखो आंटी जी का, जो आंटी जी इस घर में रहती है, रात का सिस्टम समझ रहे हो टीचर्स की। आंटी बोला तो अच्छा। अंकल है यार 10:30 यार, और तुम भी खाने वाली उसकी ज्यादा पागल हो क्या? मैं नहीं खा रही एक बाइट भी। तूने बोला था, कुक्कू ने बोला था वो। हाँ आवाज भी तो एक जैसी आती है। नहीं माँ ओके ने आवाज भी नहीं पता, बट तुम ये देख रहे हो रात का सिस्टम। चक्कर क्या हो गया, मुझे मुंह पे लाइट पड़ रही है, लगता कैमरा ऑन हो गया। भाई कुकू पहले तू इधर दिखा दे क्या बना है यार। वाह भाई 3D पेंटिंग गाइस। अच्छा ये नहीं दिखाना, 3 हो गई है, कागज बर्बाद कर रही है भाई। वाह भाई वाह, 2 बनाई इसने, दूसरी तो फालतू है, पर इससे पहले जो थी वो भी बड़ी अच्छी थी भैया, आधी है। गाइस पापा जी भी आ गए हैं, पापा जी हमारे क्यूब है अंदर। हाँ हाँ ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल। क्यूब रखा हुआ है। तो जी फिलहाल 11:32 हो रहा है, मैं आ गई। अरे भाई क्या मेरे बिना क्यों यार। गाइस मैं वहां से आती हूँ ये समझ जाती है कि ये आई है व्लॉग एंड करने, और ऐसी भक्ति हुई आती है सीधे मेरे में आके भाट, जैसे मैं कुछ इलीगल कर रही हूँ उसके बिना। हट यहाँ से, नो अच्छी जबरदस्ती है भाई, मैं कुछ कर ही नहीं सकती अकेले। तो जी फिलहाल 11:30 बज रहे हैं, पापा जी अपनी कोई मूवी देख रहे हैं मस्त सी, मम्मी ऊनो में 6 बार हार के जा चुकी है भाई। और हम आगे इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने, अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच। इसको बस बोलना है आता जाता कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं, बस काट दूं इसकी बात। आपसे ज्यादा पता है। क्या पता है? सब कुछ। चल निकल तू चुप। तो जी अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज हेल्प मी मैन, आई एम स्टक, हेल्प मी, एंड वी ऑल विल सी यू टुमारो। हाँ यू, आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय। नो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मेरा मुंह दबा दिया पूरा भाई, बाय।